21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला करीब 20 वर्ष तक जेल में रहे और अपने देश की स्वतंत्रता उन्होंने हासिल की। 21वीं बड़ी सदी का बड़ा आदमी कोई महल या रोल्स रॉयस या मर्सिडीज वाला नहीं है, 20 वर्ष तक त्याग, समर्पण और तपस्या वाला व्यक्ति। मैं उसी प्रकार राज्य संयुक्त परिषद, मैं समझता हूँ कि इसका जो नेतृत्व है, उसके जो समर्पण और त्याग की भावना है, उससे मैं स्वयं प्रेरणा लेता हूँ, प्रभावित होता हूँ और उसको साधुवाद। विश्व में इस प्रकार के कम संगठन और संस्थाएं हैं जिसका इतना बृहद आकार हो, और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश और देश के स्तर पर भी कर्मचारी हैं, पूरे सिस्टम की जीवन रेखा है, वो हम सब लोग उससे अवगत हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब कोई कर्मचारी किसी भी शासकीय व्यवस्था में अपना काम करता है, मुझे इस बात का इत्तेफाक है कि मैंने न्यायपालिका, फिर कार्यपालिका और वर्तमान में मैं विधायिका में कार्य कर रहा हूँ, इन सभी संवैधानिक जो तीन ये व्यवस्थाएं हैं, इनमें जो मुख्य काम होता है, मैं विभागाध्यक्ष के रूप में भी रहा हूँ और कर रहा हूँ वर्तमान में, वो इस मुख्य रूप से कर्मचारी ही निभाते हैं और सिस्टम उन्हीं की वजह से चलता है, वो उसकी लाइफलाइन है। वो इतना ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं अपने सरकारी कार्य में, शासकीय दायित्व में, कि उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसको न तो उनको देखने की फुर्सत है, और सामूहिक रूप से जो उनके अन्य इस प्रकार की समस्याएं हैं उसको भी देखने की फुर्सत नहीं है। उसके लिए आपकी परिषद जिस तरह का कार्य कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और साधुवाद इसके नेतृत्व को देता हूँ श्री हरकिशोर तिवारी। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने परिषद को आपके आगे बढ़ाया, जो नेतृत्व की उनका क्षमता है, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। इत्तेफाक से मैं विधानसभा में बैठता हूँ तो मैं वहाँ पर नेतृत्व को भी देखता रहता हूँ और प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग अपना काम निभाते हैं और निपटाते हैं, और जिस तरह से और मर्यादित ढंग से, जैसा बाबा हरदेव सिंह जी ने भी कहा, शर्मा जी ने भी कहा कि संयुक्त परिषद हमेशा एक मर्यादा से बंधी हुई है, और इतिहास इस बात का गवाह है। विश्व में जो यूनियन हुई हैं उनका एक बहुत लंबा इतिहास, इसी देश प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सभी यूनियनें हैं, उनका एक इतिहास है, और यूनियनों ने जिस तरह से अपने उद्देश्यों को पाया है एक ज़माने में, बल्कि सही बात तो ये कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी जर्मन में शुरू में एक यूनियन के जरिए ही वहाँ पर शुरू हुए, और फिर वहाँ पर उस तरह उन्होंने वो बनाया। तो जिस प्रकार से मैं इनका संपादकीय पढ़ रहा था अभी तिवारी जी का, उसमें लिखा एक मुट्ठी उन्होंने एकत्र होने की और एकता की बात की है, लेकिन उसमें जो मर्यादित ढंग से जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सभी हमेशा अपने उद्देश्य से सफल हुए हैं। वो ठीक है कि कभी कभी मर्यादा को उल्लंघन और उस तरह की बात होती है, लेकिन ऐसा कोई अवसर आने की आवश्यकता मुझे लगी नहीं, ना दिखाई पड़ा। आप लोगों से तो हमेशा अनुकरणीय लोगों ने प्रयोग पाए। दूसरी बात, हम तो चूंकि विधानसभा में इस वक्त हैं, उसकी परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई बात करना चाहेंगे, हमारा देश संसदीय लोकतंत्र की पद्धति में चलता है। संसदीय लोकतंत्र जो है वो अद्यतन विश्व की जितनी व्यवस्थाएं अभी तक 5000 साल के इतिहास में हुई हैं उसमें सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है, और ये माना जाता है कि इसमें सभी प्रकार की समस्याओं का निदान है, क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी है। तो जिस सरकार में लोगों की भागीदारी हो, हमारी उद्देशिका जो संविधान की है वो प्रारंभ यहीं से होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो बेसिकली सब लोगों की सरकार है, लोगों की संयुक्त परिषद है। तो जहाँ सब जनप्रतिनिधित्व का बात है, सरकार के भी आप अंग हैं और सरकार आपके प्रति संवेदनशील हो, ऐसा सभी लोग चाहते हैं, मानते भी हैं। जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो अपनी जगह चलती हैं। इस वक्त जो आपका मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है, इसमें कोई शक नहीं कि जो व्यक्ति पूरे 60 वर्ष तक अगर सेवा करता है शासकीय, और उसके सेवानिवृत्त के पश्चात उसके और उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी निश्चित रूप से सरकार पर है। सुरक्षा मानसिक भी होना चाहिए, वित्तीय भी होना चाहिए, और नैतिक सुरक्षा की बात होती है। सरकार ने ऑलरेडी आपकी चीज़ों को, जो आपके मुद्दे हैं, जिस तरह से वो रखा गया है, उसके नेतृत्व में मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा भी है, उसका संज्ञान लिया है और वह गंभीरता से उस पर विचार कर रही। कमेटी का गठन हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं, उसकी बैठकें भी हो चुकी हैं। वर्तमान सरकार की पूरी तरह से संवेदनशील, ऐसा मेरा मानना है, और मैं इस बात से आशावान हूँ कि अंततः इसके बारे में कोई निश्चित रूप से संतोषजनक समाधान निकलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।